हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जागरूक टीवी की स्पेशल कवरेज, अरावली पर्वतमाला की दो वन्य जीव अभ्यारण कुंभलगढ़ व रावली का गोंद टैपिंग मामला, सालाना 10 से 15 करोड़ का गोंद तस्करी का मामला, वन विभाग की उदासीनता व लापरवाही से हो रही गोंद तस्करी, पाली देश व दुनिया की सबसे पुरानी व पर्वतमाला में से एक अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा क्षेत्र पाली जिले में है, पूरे जिले में लगभग 1000 से 1500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे करीब 20 प्रकार के छोटे व बड़े वन्य जीव रहते हैं, जिसमें मुख्य पैंथर, जंगली सुअर, भालू, सांभर, हिरण, लोमड़ी, जरक, चौसिंगा। इस अरावली पर्वतमाला में लाखों की संख्या में कई औषधि में काम आने वाले पौधे हैं, जिसमें अश्वगंधा, पत्थर जटा, धोक, सालहर, कुमटखेर, धावड़ा, चिरमी, दासन, आम, सीताफल, जामुन, इमली, बैर, चंदन आदि है। हरी भरी अरावली पर्वतमाला की दो वादियों की दो वन्य जीव अभ्यारण कुंभलगढ़, रावली अभ्यारण, चंदन तस्कर व सालर गोंद तस्करी पिछले कई वर्षों से आवेश रूप जारी। सालर के पेड़ों की वन्य जीव अभ्यारण में 3 से 4 लाख तक की संख्या है। सालर का गोंद विशेष रूप से अगरबत्ती, गूगल धूप व औषधि बनाने काम आता है, जिससे मार्केट व बाजार में काफी डिमांड है व सालर का गोंद की मार्केट में भारी मांग भी। इसको लेकर इस सालर गोंद तैयार माल की कीमत हजारों है, इसीलिए तस्करों की लंबी समय से अवैध रूप से सालर गोंद की तस्करी करते आ रही है। गोंद की तस्करी गर्मियों के मौसम में होती है। तस्कर गोंद टैपिंग कर छोड़ देते हैं व 15 दिनों के बाद पेड़ों से गोंद निकालना शुरू की जाती है। लगभग एक पौधे से 250 ग्राम से 400 ग्राम तक गोंद निकालते हैं, जिसकी कीमत कच्चे माल की 500 रुपए तक है। फिर तस्कर इसे मार्केट में 1000 से 1500 तक प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। एक पौधे से अनुमान 300 ग्राम गोंद निकलता है। वन्य जीव अभयारण्य में लगभग 3 लाख से अधिक गोंद के पौधे से 90,000 से 100,000 किलो गोंद निकलता है, जिसकी कीमत की अनुमान 1200 रुपए प्रति किलो 10 करोड़ से ज्यादा की तस्करी। राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है कुंभलगढ़ व रावली वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें 4 रेंज आती, जिले की 2 रेंज आती है, सादड़ी देसूरी, राजसमंद जिलावड़ा, उदयपुर कुंभलगढ़। हालांकि यह भी नहीं है कि वन विभाग ने कार्यवाही नहीं की, लेकिन नाम मात्र कठोर कार्यवाही की होती तो उतनी बड़ी गोंद तस्करी नहीं होती व उतना बड़ा कोई राजस्व नुकसान नहीं होता। हालांकि वन्य जीव अभयारण्य में किसी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से बंद वन्य जीवन एक्ट के तहत किसी प्रकार की लकड़ी बेचना, गोंद निकालना व अन्य तस्कर धारदार हथियारों से पेड़ों से गोंद टैपिंग कर गोंद निकालते हैं। जागरूक टीवी की टीम ने लगभग 8 से 10 किलोमीटर घने जंगल में जाकर गोंद तस्करी का लाइव कवरेज की। हालांकि तस्करों ने पहले वीडियो लेने से मना कर दिया व उसके बाद किसी को ना बताने को लेकर वीडियो लेने दिया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए उपवन संरक्षक DFO फतेह सिंह राठौड़ ने ये कहा, पहाड़ियों के टॉप के ऊपर सालर नाम के एक पौधे होते हैं। सालर पहले विभाग की तरफ से कभी गोंद निकालने का काम होता था, और पिछले कई सालों से सरकार ने गोंद के ऊपर रोक लगा रखी है। अपने जो कुंभलगढ़ सेंचुरी का मुख्यतः जो बोखाड़ा रेंज का जो भाग है, जो कि उदयपुर जिले का भाग है, उसमें क्या है, ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और एरिया ऐसा है कि वहाँ पर आदमी की पहुँच बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, हमारा स्टाफ का रेगुलर आवागमन उस जगह पर कम होता है। उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ आदिवासी लोग सालर के पौधे होते हैं, उनमें चीरा लगा देते हैं, जिससे उसका जो गूंद निकलता है वो क्या है कि गूगल के गूंद में या और कई बार जो है दवाएँ वगैरह वगैरह उसमें उसका उपयोग होता है, तो वो सालर टैपिंग का ये काम कभी कभी करते रहते हैं। जो भी हमारी जानकारी में आता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि गोंद वाले को पकड़ें, क्योंकि ये आदिवासी है, इनको ज़्यादा कोई इतना है नहीं, केवल ये मजदूरी के लिए काम करते हैं। तो समझा, इसका अभियान हमने चला रखा है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायकों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से हमने ये मैसेज दिलाया है कि भाई आप लोग ये ऐसा काम नहीं करें, आपको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम और कोई दूसरे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। सर, जिस प्रकार से गोंद टैपिंग ये कितने वर्षों से हो रही है? ये गोंद साला गोंद की जो टैपिंग है, ये पिछले कई सालों से छुटपुट घटनाएँ होती रही है, और हमारा विभाग जब भी इस चीज़ को देखता है, मामले आगे नहीं बढ़े, इसलिए तुरंत हमारा स्टाफ जाता है और जहाँ पे भी वो सालर के टीचे लगाते हैं ये लोग, क्योंकि आदिवासी पकड़ में नहीं आते हैं, रात को करते हैं और करके भाग जाते हैं, तो उस तरीके से मौके पे कोई करता हुआ कोई पाया नहीं जाता है। जागरूक टीवी के लिए अरावली से खास रिपोर्ट।